हाय गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। मेरा नाम अदिति है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लस्टर सैम्पलिंग और आप लोगों की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर डिफरेंस। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो मुझसे क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इन डाउट सेशंस, कि क्लस्टर सैम्पलिंग और आप लोगों की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, हेट्रोजेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। तो आज मैं आप लोगों को ये दो टर्म बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करने वाली हूँ इस एक मिनट के वीडियो या दो मिनट के वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो ये दोनों ही रैंडम सैम्पलिंग के टाइप से गाइस, ये चीज़ याद रखेंगे। रैंडम यानी कि जो अनबायस्ड होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लस्टर का क्या जो मतलब होता है रियल लाइफ के अंदर, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो नेचुरली अकर करते हैं। अगर मैं इनको समझने की कोशिश करूं तो आप मुझे एक बात बताइएगा, पूरी दुनिया के अंदर हम एज एन इंडियन जाने जाते हैं, ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल क्लस्टर है। तो उसी तरीके से क्लस्टर का मतलब क्या है, जो नेचुरली अकरिंग आप लोगों का एरिया है या नेचुरली अकरिंग जो आप लोगों की पॉपुलेशन होती है उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लस्टर। वेयर इज स्ट्रैटा जो होता है, स्ट्रैटा के अंदर हम जो है वो क्लस्टर खुद बनाते हैं, या मैं कहूँ कि हम खुद वहाँ पर एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम रखते हैं हम स्ट्रैटा, जिसको हम सब ग्रुप्स भी बोला जा सकता है। यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से हम क्या बनाते हैं, अपने लिए स्ट्रैटा बनाते हैं, ताकि जो आपकी कंडीशनिंग है या जो आप लोगों की रिसर्च है वो कैसी लग सके, और ज़्यादा क्लासिफाइड लग सके, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में लग सके। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या स्टडी करना चाहती हूँ, मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन सा हमारा इंडिया का स्टेट है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्ट्रैटा बना दूंगी। स्ट्रैटा कैसे, नॉर्थ में रहने वाले जो कुछ लोग हैं मैं उनमें से कुछ लोग ले लूँ, साउथ में रहने वाले जो लोग हैं मैं उनको कुछ ले लूँ, इस तरीके से मैं अलग अलग जनता को डिवाइड कर दूँ और मैं क्या बना दूँ, ग्रुप खुद से बना दूँ, स्ट्रैटा बना दूँ। यहाँ पर लोग मैंने रैंडमली ही लिए हैं, मैं कह रही हूँ मैंने नॉर्थ से लिया है, बट मैंने एक एक पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया है अपने बिहाफ पर या बायसनेस के बिहाफ पे नहीं किया है, क्योंकि ये भी रैंडम ही होती है। तो यहाँ पर आपका सवाल निकलता है कि दोनों में होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है। देखिए गाइज, आपकी जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो आपकी होमोजेनिटी होती है वो एक्सटर्नली होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं आप लोगों को बोलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हम इंडियंस के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि चाहे मैं जाऊँ एज राजस्थान के अंदर से, आप जाओ बिहार के अंदर से, आप कहीं से भी जाओ, हमारा जो क्लस्टर है वो क्या कहलाएगा, वो क्लस्टर कहलाएगा होमोजीनियस। क्यों, क्योंकि हम कैसे हैं, हम सारे के सारे इंडिया के अंदर आते हैं। वेयर एज अगर मैं स्ट्रेटिफाइड की बात करूँ तो जो आप लोगों का होमोजेनिटी होती है वो अकर करती है किसके अंदर, इंटरनली अकर करती है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में समझाऊं तो आपके जो क्लस्टर्स हैं उस क्लस्टर के अंदर ऑलमोस्ट आपके कैसे होंगे, सारे डिफरेंट लोग होंगे। क्यों होंगे सारे डिफरेंट लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। वेयर इज आपकी स्ट्रेटिफाइड के अंदर सारे के सारे सेम लोग होंगे, जैसे क्योंकि हमने खुद वो स्ट्रैटा बनाया है। नॉर्थ के सारे लोग स्ट्रैटा है, सारे एक जैसे हैं, आपके साउथ के सारे लोग एक जैसे हैं, सारे के सारे साउथ इंडियंस कहलाएंगे। तो बेसिकली ये होता है डिफरेंस क्लस्टर में और स्ट्रैटा में। अब बात आ जाती है कि मैम ये दोनों ही सैम्पलिंग के अंदर हमारी बेनिफिट्स क्या निकलते हैं, या फिर किस तरीके से सैम्पल हम ड्रॉ करते हैं। जब हमारी पॉपुलेशन के अंदर का हम स्ट्रैटा डिवाइड कर देते हैं तो इस स्ट्रैटा के ऊपर से मैं क्या करती हूँ, एक एक सैंपल चुन लेती हूँ। यानी कि नॉर्थ से एक बंदा उठा लिया जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ से मैंने एक बंदा उठा लिया जो क्या कर रहा है, साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे पूरे मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ सैंपल बन जाएगा, समझ रहे हैं। सेम चीज क्लस्टर में क्या करूँ, मैम क्लस्टर में तो खुद ही के अंदर ही हेट्रोजेनिटी है, तो इस हेट्रोजेनिटी को क्या करो, एज इट इज उठा लो, सारे ही डिफरेंट सैंपल्स हो गए, इंडिया के सारे अलग अलग लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल में एज एन क्लस्टर। समझ में आया। सो आई होप कि अब आपको क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अच्छे से समझ आ गई। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बनाया है, जिसे जरूर देखिएगा इस वीडियो के खत्म होते ही। तो ये चार मिनट के अंदर कोशिश की है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड को दोबारा से समझाने की। नहीं समझ आया तो इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्लस्टर वर्सेज स्ट्रेटिफाइड बाय अदिति मैम। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज्वाइन करते रहिए। बाकी प्लस कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा इस फ्राइडे से नया कोर्स आ रहा है, रेफरल कोड अदिति 10 याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, बाय बाय।